सो हाउ इज द जोश, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। हम बात करेंगे रेडियो की। जी, रेडियो जो पुराने जमाने से नए जमाने तक कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोगों की एंटरटेनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा। आज विश्व रेडियो दिवस के दिन 13 फरवरी 2020 हम आज थोड़ा सा रेडियो के बारे में जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आज है विश्व रेडियो दिवस। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। एक टाइम था जब रेडियो हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट साधन हुआ करता था रेडियो। लेकिन मोबाइल और टीवी के आने के बाद रेडियो की वो इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अभी भी इसका महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि कई तरह के एफएम ने एक साथ लॉन्च किया, जैसे 91.3, 91.1, 93.5, 98.3। इस तरह के जब बहुत सारे एंटरटेनमेंट के चैनल्स शुरू हुए एफएम के ऊपर, तब इन्होंने दोबारा से रेडियो को एक नया जीवन दान दिया। आखिर क्यों मनाते हैं रेडियो दिवस? दुनिया भर में सूचना के आदान और प्रदान के लिए रेडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा। लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, लोगों को गाइडेंस देने, लोगों को गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स पहुंचाने के लिए, लोगों तक हर एक डिटेल जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर लोगों को एजुकेट करने के लिए रेडियो ने एक टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था रेडियो का उसमें। रेडियो ने नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे भी बहुत मदद करी, जिससे लोगों की बहुत सारी जानें बच पाई। ये रिपोर्टर्स के लिए भी बहुत एक अच्छा माध्यम होता था, जिससे वो लोगों तक अपनी सारी जानकारियां पहुंचा पाते थे। और बल्कि करंट टाइम में भी ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे यूनिक और आज भी ये सबसे फास्ट तरीका है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का। चाहे तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है, रेडियो सिटी है, इनके थ्रू आप अपनी आवाज लाखों लोगों तक एक मिनट के अंदर पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये बहुत पुराना माध्यम है, बहुत पुराना, लेकिन फिर भी आज लोगों ने अपनी एफर्ट से इसको जिंदा रखा हुआ है और आज भी ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। 13 फरवरी 1945 में यूनाइटेड नेशंस में रेडियो में पहला प्रसारण हुआ था। 2010 में स्पेन की रेडियो एकेडमी ने ये प्रस्ताव रखा कि हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाना चाहिए। उसके बाद 2011 में यूनेस्को के 36वें सत्र में ये फाइनल घोषित कर दिया गया कि 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाए। जनवरी 2013 में यूनेस्को की इस घोषणा को यूएनओ ने मंजूरी दे दी और तभी से 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। हर साल यूनेस्को 13 फरवरी के दिन दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर एक्टिविटीज करता है, जिससे रेडियो की इंपॉर्टेंस कंटिन्यू रह सके और रेडियो के बारे में लोगों को हमेशा ज्ञात रहे और वो इसकी इंपॉर्टेंस के साथ रूबरू रहे। इस साल 2020 में यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस की थीम रखी है रेडियो और विविधता। विविधता से आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में रेडियो अलग अलग लैंग्वेजेस पे बोला जाता है, अलग अलग कल्चर्स को प्रेजेंट करता है, अलग अलग तरीके से लोगों अपने 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 स्टाइल से एफएम पर बोलते हैं। यूनेस्को इन सब चीजों की एक्टिविटीज कर करके रेडियो की एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाहता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ मैं हमेशा आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।